हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिज़ाइनर अम्ब्रेला काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। एंड गाइस, जो चीज़ें मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ उसके बारे में आप प्लीज़ ना पूछें और वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में ही कपड़े की डिटेल और मेजरमेंट के बारे में बता देती हूँ। सो ज़्यादातर कमेंट यही आते हैं कि कपड़ा आपने कितने मीटर लिया है, कौन सा लिया है। तो आप स्क्रीन को ध्यान से देखें और मुझे भी सुन लीजिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। सो गाइज, ये काफ्तान का जो मेजरमेंट है वो यहाँ मैं स्क्रीन पर देखिए मेंशन कर रही हूँ। ये मेरे काफ्तान का रेडी मेजरमेंट है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना होगा। एंड ये काफ्तान बनाने के लिए मैं यहाँ पर जितना भी जो भी मटेरियल यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ सब एक साथ मैंने लिख दिया है, तो आप पॉज करके देख सकते हैं और आगे अलग अलग करके भी मैं लिख कर दिखाऊंगी। तो देखिए, ये काफ्तान बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट ली है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, तो यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर जॉर्जेट ली है। एंड इसके बाद मैंने ये 1 मीटर सीक्वेंस लेस ली है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की लेस काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रही है, तो मैंने सिर्फ ये 1 मीटर ली है क्योंकि इसको नेक और स्लीव पर ही लगाएंगे। इसके बाद मैंने 10 मीटर पॉम्पॉम लेस ली है, सो ये मैं नीचे पूरे घेरे में लगाऊंगी, जैसा कि आप देख चुके हैं काफ्तान में। सो ये हमने अपने काफ्तान के बॉटम में लगाना है। और इसके बाद हमने इसके लिए लाइनिंग ली है, सो ये जो लाइनिंग है वो मैंने 2 मीटर ली है। और ये जो लाइनिंग है ये कॉटन लाइनिंग है, मोस्टली इस लाइनिंग को हम ब्लाउज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने ये काफ्तान के लिए 2 मीटर कॉटन लाइनिंग ले ली है, जिसको हम अंदर की तरफ लगाएंगे, यानी ये हमारा अस्तर होगा। आप लाइनिंग के लिए कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट ना हो। इसके बाद हम अपना 3.5 मीटर जॉर्जेट वाले फैब्रिक को किनारी वाली साइड से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे पूरी लेंथ में। सो किनारी को मिलाते हुए हमने इस तरह से डबल करना है, एंड इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएंगी। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखा है। अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने पिन लगा दी है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना भागे। तो 4 तह में बिछाने के बाद हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 33 इंच है। इसके बाद जो इसकी लंबाई है वो 43 इंच है। लंबाई इसकी यानी अरज इसका 43 इंच है, तो अरज में ही हम अपने काफ्तान की लेंथ बनाएंगे। अब इस साइड ये हमारी ओपन साइड है, आगे से भी ओपन साइड है, और ये वाली इसकी फोल्डेड साइड है। इसके बाद हम अपने इसका लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, तो लाइनिंग वाले फैब्रिक की जो अरज है वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से किनारी वाली साइड से पहले को डबल कर लेंगे, एंड इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर हमने फोल्ड वाली साइड एक तरफ रखनी है दोनों कपड़े की, और खुली साइड एक तरफ रखेंगे। सो इस तरह से हमने अच्छे से इसको सेट करके बिछा लिया है। और जो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक की चौड़ाई है वो 18 इंच है, और जो इसकी लंबाई है वो 36 इंच है, तो 36 इंच इसकी लंबाई है। तो दोनों फैब्रिक की बंद वाली साइड को अच्छे से बिछा लेंगे, और ऊपर से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है यानी जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक कम ज़्यादा है, तो नीचे के हिसाब से इस पर मार्क करके सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से अपने शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे जो है 7 इंच, और यहीं से हम अपने आर्म होल की लेंथ ले लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। पहले बस्ट का सीधा मार्क कर देंगे, एंड यहाँ से आर्म होल की सीधी ऊपर मार्क कर देंगे। अब बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच, और आगे से 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से फ्री हैंड से हम अपने बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद इंच टेप को शोल्डर पर रखेंगे और अपनी कमर की लेंथ लेंगे, तो मैं 15.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहीं से अपने कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 8.5 इंच पर मार्क करके आगे से मार्जिन ले लूँगी। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइनअप कर देंगे, तो ये हमारे कटिंग और फिटिंग के मार्क होंगे। इसके बाद अस्तर के बॉटम में हम ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 इंच का मार्क करेंगे, ये खुली साइड है। अब इस मार्क को हमने अपने कमर के मार्जिन से तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। सो ये ए लाइन शेप में हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस मार्क को नीचे की तरफ गोलाई देते हुए ऐसे मिला देंगे। सो अस्तर की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब जो फिटिंग हमारी अस्तर पर है वही फिटिंग हम अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर ले लेंगे, तो चेस्ट को और वेस्ट को फिटिंग वाले मार्क को हम नीचे ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद दोनों मार्क को लाइन अप कर देंगे,
सो हमारे काफ्तान पे भी इसकी फिटिंग इसके बराबर आ गई है। अब हमने देखिए जो लाइनिंग पर मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें सिर्फ अपने लाइनिंग वाले यानी अस्तर वाले फैब्रिक पर करनी है, जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर नहीं करनी है। आप चाहें तो इसको अलग रख कर भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए एक साथ आपको रख कर दिखा रही हूँ। सो इस तरह से हमने सिर्फ अस्तर की कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और नेक की लेंथ में 5.5 इंच ले रही हूँ। तो सीधा हमने नीचे मार्क करना है 3.5 इंच पर और एक बॉक्स बनाकर अपने नेक की शेप दे देनी है। यहाँ पर नेक मैं बैक और फ्रंट का एक साथ एक बराबर बना रही हूँ। तो दोनों की कटिंग हमने एक साथ कर ली है। तो हमने जॉर्जेट और अस्तर की कटिंग नेक की कर ली है। इसके बाद हमारा जो अस्तर वाला आर्म होल है उसके फ्रंट वाले आर्म होल में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो ये जो मार्किंग वाला पार्ट है इसी में हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन गया है तो इसको ध्यान से हमने फ्रंट में ही रखना है जिधर काफ्तान के नेक पर हम लैस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ भी हमने 7 इंच पर ये मार्क कर लेना है। सो ये मार्किंग इस पर आ गई है, मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा शोल्डर का जो मार्क है 7 इंच पर, इसके बाद हमने इंच टेप रखना है और यहाँ पर हमने अपनी स्लीव की लेंथ का मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर स्लीव की लेंथ मार्क करूँगी। आप इस लेंथ को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 17 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद हम आगे की तरफ एक मार्क करेंगे अपनी स्लीव की गोलाई का, यानी हमारी कलाई की जितनी भी गोलाई है, नॉर्मली हम अपनी स्लीव की मोरी जितनी भी रखते हैं उसका हाफ मार्क कर देंगे। सो यहाँ से जितनी भी गोलाई आएगी उसके हिसाब से उतना हाफ रख देना है। तो मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो 5 इंच की स्लीव की मोरी रहती है। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। तो जो हमने सीधे मार्क किए हैं उनको सिलना है और ये इतना छोड़ देना है। इसके बाद देखिए हमने काफ्तान के ये ए लाइन शेप भी मार्क करनी है। सो कमर से इंच टेप को रखना है और नीचे मैं लगभग 15 इंच की लेंथ पर इस तरह से मार्क करूँगी और इस मार्क को ए लाइन शेप में करना है। सो नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 14 इंच की दूरी पर ये मार्क का एंड किया है। सो इस तरह से 14 इंच की लेंथ पर मैंने इसको किया है। अब हमें काफ्तान में अम्ब्रेला शेप देनी है। सो देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। सो ये मार्क मैंने इस कॉर्नर से 11 इंच के क्रॉस पर किया है। सो 11 इंच के क्रॉस पर ये गोलाई अच्छे से आ गई है। अब इस मार्क पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। सो नीचे से ये देखिए गोलाई की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ जो 5 इंच का पार्ट छोड़ा था स्लीव के लिए, मैं यहाँ पर नॉचेस लगा देती हूँ ताकि जब हम सिलें तो इतना पार्ट हम इसको छोड़ दें। सो 5 इंच पर हमने ये सिलाई नहीं करनी है। दोनों साइड मैंने नॉचेस लगा दिए हैं। अब आगे से यहाँ से मैं पिन निकाल देती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको सिलना कैसे है। अब ये 4 फोल्ड है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये इसका नेक है। अब यहाँ से हमने इसकी सिलाई करनी है और जहाँ तक हमने 5 इंच का ये नॉच लगाया है यहाँ तक, और इतना छोड़ते हुए फिर हमने ये सिल देना है। और इसी तरह से अब हम यहाँ कंधी से सिलेंगे 17 इंच तक यहाँ तक और 5 इंच छोड़ते हुए आगे इतना सिल देंगे। इसके बाद हमारा काफ्तान की जितनी भी गोलाई है इसको हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर देना है। सो हल्का हल्का पूरी नीचे गोलाई में आगे पीछे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। सो गाइज़ ये जो सिलाई है वो हमने नेक से स्टार्ट करनी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और 17 इंच की लेंथ तक पक्का कर देना है। इसके बाद हमने 5 इंच छोड़ना है और आगे से फिर पक्का करके स्टार्ट करके एंड तक कर देना है। सो इस तरह से हमने इसको सिल लिया है और इसका जो नीचे से घेरा है इसको भी हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया है पूरे राउंड में इस तरह से। सो इस तरह से ये हमने नीचे से भी फोल्ड कर दिया है और ऊपर से भी सिल चुका है। इसके बाद देखिए जो हमने 5 इंच छोड़ा है इसका हमने स्लिट फोल्ड करना है। सो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इतना पार्ट हमने ये सिला नहीं है जो हमने 5 इंच पर नॉचेज लगाए थे। अब यहाँ पर हमने इसमें स्लिट्स बनाने हैं, जैसे हम कुर्ती के स्लिट्स फोल्ड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने ये 1/2 इंच फैब्रिक दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये जो फैब्रिक है इसका अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और यहाँ से हम अपने हाथों को निकाल सकें, यानी ये हमारा स्लीव वाला पोर्शन बन जाएगा जब ये ओपन रहेगा। तो ये करने के बाद अब हम अपना अस्तर वाला पार्ट लेंगे जिसकी हमने कंधी ज्वाइंट कर दी है दोनों तरफ से।
और इसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड में आर्म होल में क्वार्टर इंच डबल फोल्ड कर दिया है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से क्वार्टर इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है पूरे आर्म होल की गोलाई में और इसी तरह से यहाँ भी कर दिया है। अब आप चाहें तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि काफ्तान में हम स्लीव कैसे लगाएं। तो अगर आप अस्तर वाला काफ्तान बना रहे हैं तो इसमें आप हाफ स्लीव जितनी भी आप चाहें यहाँ पर स्लीव लगा सकते हैं। सो मैंने सिर्फ इसको इसी तरह से डबल फोल्ड करके हेम कर दिया है। इसके बाद अब हमने इसमें फ़िटिंग लगानी है। सो जो हमने इस साइड में फ़िटिंग लगाई थी वही फ़िटिंग को हमने इस साइड में भी ट्रेस कर लेना है। सो इस तरह से हमने दोनों साइड में मार्क करके फ़िटिंग कर लेनी है। अब दोनों पर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो नीचे से बॉटम है वो भी हाफ इंच डबल फोल्ड कर देंगे। इसके बाद देखिए जो हमारे काफ्तान की स्लीव वाला पोर्शन था ये भी हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। सो दोनों साइड में हमने बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड किया है। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद अब हमने अपनी पॉम्पम लेस लेनी है और इस लेस को अपने काफ्तान की गोलाई में पूरे घेरे में लगाना है। सो यहाँ पर जो लेंथ देख रहे हो आप, यानी इसकी जो सर्कल देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसके पूरी गोलाई में हमने ये पॉम्पम लेस को लगा देना है। सो कुछ इस तरह से देखिए हमने हमारी ये लेस लग चुकी है। ये फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हैं। अब हमने काफ्तान की सीधी तरफ ऊपर की तरफ बिछा कर रखना है, यानी काफ्तान की जो राइट साइड रहेगी वो ऊपर की तरफ रहेगी इस तरह से। इसके बाद ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है जिसकी दोनों साइड से हमने फिटिंग लगा ली है और नीचे से घेरा फोल्ड कर लिया है। एंड जो हमारी लाइनिंग है यानी अस्तर है वो रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से हमने बिछा कर रख लेना है और नेक से इसको बराबर मिला कर रखेंगे और कंधी से भी दोनों कंधी के जॉइंट इसके बराबर मिला कर रखेंगे। इस तरह से हमने अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर अब हमने एक पैर की सिलाई लगाकर पूरे नेक के राउंड में सिल देना है। तो इस तरह से देखिए हमने नेक में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। इसके बाद अब हमने देखिए अपने काफ्तान को सीधा इस तरह से रखना है और नेक की साइड से इस लाइनिंग को अंदर की तरफ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। सो जो लाइनिंग है वो हमारी अंदर चली जाएगी और जो हमारे काफ्तान की राइट साइड है वो बाहर की तरफ रह जाएगी इस तरह से। अब इसके नेक में हम एक प्रेस स्टिच कर देंगे, यानी किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई को लगा लिया है और इसको हमने इस तरह से बिछा कर रखा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने पिन लगा दी है ताकि जो फैब्रिक है इधर उधर ना भागे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर फिटिंग के जो मार्क थे वो डार्क कर लिए हैं। सो मैं आपको अभी जूम करके दिखाऊंगी। दोनों साइड से मैंने फिटिंग के मार्क को इस तरह से कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, आर्म होल की लेंथ हमारी 7 इंच थी तो यहाँ से हमने 7 इंच लिया है। इसके बाद हमने अपना बस्ट 20 इंच लिया है और यहाँ से जो हमारी वेस्ट है वो 17 इंच है। सो दोनों साइड से हमने इस तरह से जो मार्क किए हैं इस पर हमने फिटिंग लगा लेनी है और ये जो फिटिंग रहेगी वो सीधी तरफ ही लगानी है। सो यहाँ पर मैंने पिन लगा कर इसको सिक्योर कर लिया है अच्छे से। इसके बाद हमने अपने नेक में इस तरह से ये जो लेस है ये लगा देनी है सिंपली। ये मैं सिर्फ फ्रंट में लगाऊँगी और फ्रंट में लगाने के बाद जो लेस बचेगी वो मैं स्लीव पर लगा दूंगी। तो स्लीव के दोनों साइड में ये लेस को इस तरह से रखना है। ये देखिए ये ओपन है। सो दोनों साइड में हमने इस लेस को इस तरह से लगा देना है। सो दोनों स्लीव की जो ओपनिंग है उनमें हमने एक तरह से ये लेस लगानी है। इसके बाद जो हमारी लेस बचेगी वो मैं नेक के नीचे लगा दूंगी ताकि वो नेक थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों स्लीव में भी लगा दी है और नेक में भी इस तरह से हमने ये लगा दी है। और यहाँ पर आप जो फिटिंग है वो देख सकते हैं, फिटिंग हमारी काफ्तान की सीधी तरफ आई है और ये जो फिटिंग लगाई है वो हमने अस्तर से बचाते हुए लगाई है। अस्तर के साथ नहीं सिलना है क्योंकि अस्तर पर हमने पहले ही फिटिंग लगा दी थी, तो अस्तर को इसके साथ नहीं सिलेंगे। अस्तर को हटाकर ही हमने काफ्तान पर फिटिंग लगानी है। अब यहाँ पर आप लेस देख सकते हैं, जो स्लीव में मैंने लेस लगाई है वो कुछ इस तरह से लगाई है इस तरह से। एंड इसी तरह से मैंने दूसरी साइड में भी ये फिटिंग लेस लगा दी है। इस लेस को पहले मैंने नेक की गोलाई में लगाया, इसके बाद मैंने दोनों स्लीव पर लगाया। स्लीव पर लगाने के बाद जितनी भी हमारी लेस बची उसको मैंने नेक के नीचे सेंटर में लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। सो इसको मैंने नीचे की तरफ लगा दिया है। सो ये मेरी टोटल 1 मीटर सीक्वेंस लेस थी। सो गाइज, इसी के साथ हमारा काफ्तान रेडी हो चुका है और वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें
और अगर आप ये काफ्तान ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें ताकि और लोगों को आपका फीडबैक पता चले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अपना कोई सवाल है आपका, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं स्टिचिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और काफ्तान के आपको और डिज़ाइन चाहिए तो मेरे चैनल पर विज़िट करें, चैनल पर काफ्तान प्लेलिस्ट है वो आप ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने काफ्तान के अलग अलग डिज़ाइन शेयर कर रखे हैं। इस काफ्तान को मैंने स्ट्रेट पैंट के साथ टीम अप किया है, आप चाहें तो इसको अम्ब्रेला प्लाजो के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप अम्ब्रेला प्लाजो या स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी है और यहाँ एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगी, सो वहाँ से आप अम्ब्रेला प्लाजो और स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।